YouTube चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ, लाइक मैं आज 9 बजे उठ गई थी। मेरे को सुबह नींद नहीं आई थी, बट इतना मैं लाइक अपने घर से ना बहुत दूर आई हूँ एक शूट के लिए, बहुत ज़्यादा दूर। सही बताऊँ मेरे को 1.5 घंटे लग गए, मेरी तबीयत अभी से ख़राब होगी क्योंकि ना मैं बहुत डिहाइड्रेटेड भी फील कर रही हूँ। वैसे मैं हमेशा अपनी पानी की बॉटल कैरी करके रखती हूँ, बट मेरे पास इतना सामान है ना, एक इतना हैवी बैग है, मैंने कैसे कैरी कर रखा है मेरे को पता है। ये तो नॉर्मल बैग है अपना, बट पानी की बॉटल रखने की भी जगह नहीं थी। मैं मतलब आई हूँ, यही स्टेशन था लास्ट मेरा, और यहाँ से अब मेरे को ऑटो करना पड़ेगा जहाँ मेरे को एक स्टूडियो में जाना है। हालत ख़राब हो गई मेट्रो में। से बताओ राजीव चौक तो मेरे को सीटें नहीं मिली, उसके बाद जाके सीट मिली, और मैं तो इतनी प्यास लग रही है, बस पानी पीऊँगी सबसे पहले, और भूख भी लग रही है। मेट्रो भी आ गई डर लगने लग गया, फिर भी मैं लिफ्ट में आ गई, बिकॉज काफ़ी सारी मैं वीडियोस देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, कभी क्या दिक्कत आ गई लिफ्ट में, कभी क्या दिक्कत। बट को शौक है ऐसे खेल खेलने का। खाने बज रही, क्या बात है, थोड़ी महंगी लिफ्ट है। अब यहाँ से आई डोंट नो कि वो लोकेशन कितनी दूर है स्टूडियो, उसके आस नियर बाय मेट्रो यही स्टेशन था, गुरु दोना चार, पता नहीं क्या क्या स्टेशन आ गए रस्ते में, घिटोरी, अर्जुनगढ़, बहुत अलग अलग स्टेशन। आई डोंट नो कहाँ से जाना है, शायद इधर से मेट्रो मतलब एग्जिट करो, मेरे को सामने 0 डिग्री दिख गया है, मैं इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब मैं शेक पी लूँगी ना मेरा थोड़ा सही हो जाएगा पेट। मेरे को लग रहा था आसपास की स्टारबक्स हो तो मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ तो मेरे का थोड़ा सही रहता है, यही मिला है तो ये भी बुरा नहीं है यार। कुछ खा तो खाने का तो मन नहीं कर रहा, पी लेती हूँ। वैसे आज विशाल मेरा जो शूट है वो साथ में ही है, तो उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर है, या घर पर है, या फिर सो रहा है, या निकल चुका है, कोई आइडिया नहीं है। मैं अपना पहुंच रही हूँ टाइम से, बस यहाँ से मेरे को ऑटो करना है, उससे पहले मेरे को शेक पीना ही पड़ेगा। तो भाई ऑटो तो मेरे को मेट्रो से नीचे उतरते ही मिल गया है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ये। और आज मैंने शेक्स पहन लिए, सुबह ना शेड्स खरीदती रहती हूँ, और ये मेरे सबसे महंगे शेड्स हैं जो 700 रुपये के हैं, उससे महंगे शेड्स मेरे पास नहीं है। मैंने आज इसका सिर्फ पहन लिया, मैं शो ऑफ नहीं करूँ भाई बिल्कुल भी, पर मैं इन जनरल बता रही हूँ कि मेरे पास सबसे महंगे शेड यही है जो है 700-600 रुपये। वैसे मेरे को शौक नहीं है पहनने का, मेरे को ना अजीब सा लगता है, पर आज सोचा कि पहन लूँ, क्या पता मैं अच्छी लगूँ। धूप इतनी ज़्यादा है, ठंड कब आएगी, रात में तो अब ठंड आने लग गई है। मैं पहुँच चुकी हूँ स्टूडियो जहाँ पर शूट है, और यहाँ पर सब लोग विशाल को इतने कॉल करें, यहाँ पर सब ने जो टीम है लाइक सुबह से ही कॉल कर रहे हैं, बट उसको कोई कॉल पिक नहीं कर रहे, तो अब जाके पता चला कि वो सो रखा था, क्या कर सकते हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि आप कैसे भी करके आओ, आपको जितना टाइम लेना है आप लो, क्योंकि ना जो प्रोडक्शन टीम है जो यहाँ पर सारा काम कर रही है शूट वगैरह, उनको भी आज नहीं जाना था, तो अब शायद थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा, उनको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा। गजब विशाल वो नहीं आया है और उसको टाइम लगेगा, तब तक मेरे जो शॉट्स हैं जो टेक्स उनको लेने हैं, तब तक हम वो ले लेते हैं जब तक विशाल आता है। और ये वाली ड्रेस ना मैंने कल ही ली है हौस खास से, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। So let's get ready। यार ये ना, ये जो देख रहे हो ये मेरे को ना अपने घर पे भी करवाना है, अपने रूम में। जैसे ही मोटा पैसा आएगा ना मेरे पास, मैं ये करवाऊंगी अपने घर पर, ये तो डन है। मतलब कितना मस्त लगता है यार, यहाँ पर मतलब पूरा वैनिटी बनवा दूंगी, मेकअप रखूंगी, अपना स्किन केयर, और इस शीशे में मैं ऐसे रेडी होंगी। चलते हैं यार, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होने वाला है वो शूट जहाँ पर मेरे को गुस्सा रहना है, और एक लड़का आके मेरे को मनाएगा, बट मैं नहीं मानने वाली उससे बिल्कुल भी। वैसे तो ये वाला जो रोल था, जो लड़का मेरे को आके मनाएगा, वो रोल विशाल को करना था, बट वो शायद आएगा नहीं आएगा, वो लेट हो चुका बहुत ज्यादा, तो जिस वजह से दूसरे वाले हैं एक सत्यन नाम का, वो मेरे साथ एक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये एक स्नैपचैट का शूट है, इस जो भी अभी मैं यहाँ पर शूट करने वाली हूँ वो सारी वीडियोस स्नैपचैट पे आएंगी, तो आप लोग एक्साइटेड हो। अभी आएगी मैं आप लोगों को खुद से बता दूंगी, बट फिलहाल तो मैं शूट करती हूँ, तो गुस्सा होने में तो मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। यहीं पर हमारा शूट होगा, ऐसे स्टूडियो में काफी अच्छी अच्छी लोकेशंस भी हैं, ड्रॉप काफी अच्छे अच्छे हैं। ये कैप पहनने को बोला है, ये स्विमिंग कैप है, जिसका मेरे को पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत अजीब लगने वाली हूँ उसको पहनने के बाद, बट पहननी पड़ेगी काम के लिए, मना भी नहीं कर सकती। अरे तो बाल धोए थे और कितनी अजीब लगूंगी यार, मैं मतलब बाल नहीं दिख रहे यार, कोई पहननी नहीं आ रही, या तो मेरे फिट नहीं आ रही जूड़े की वजह से, क्या करूँ, कितनी अजीब लग रही है यार। मैं शायद मेरे को दोबारा पहननी पड़ेगी, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसी ठीक है, चलो वैसे तो मना कर देंगे, कहेंगे कि नहीं आपको पहननी पड़ेगी। हाथों पे लगाया जा रहा है पानी और पेंट, और फिर हम उस पेंट से इस कैनवस पे अपने प्यारे से हाथ छाप देंगे।
अरे वाइट तो मेरे को मिलना चाहिए था, बट कोई नहीं, येलो गोस विद माई ड्रेस। तो ये पांचवी छठी बार हाथों पे कलर लग रहा है। क्यों, ब्रश से क्या होता है, क्या होगा, इससे बहुत टाइम लगेगा एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और अभी शायद ये लास्ट बचा है कैनवस। जो ये वाला हमारी वो थी, स्क्रिप्ट थी, ये पूरी हो गई है। बहुत टाइम लगे, लाइक 5-6 टेक लेने पड़े इसमें सिर्फ हाथ की वजह से। मेरा हाथ सबसे अच्छा छपा भी है, इससे तो बेटर ही है। ये वैसे विशाल का हाथ है जो यहाँ बैठा था, पर वो भाग गया हाथ धोने। देखो कितना टेढ़ा हाथ है मेरा, कितना छोटा सा हाथ आया। यहाँ पर अभी चल रहा है विशाल का शूट। ये बॉक्स मैंने इसको गिफ्ट दिया होता है, मतलब वीडियो के हिसाब से, और इसमें से निकलता है एक बग। ये करूंगी एक दिन इसके साथ मैं, ऐसा ही ऐसा प्रैंक तो जरूर करूंगी मैं, इसका डिजर्व करता है ऐसे प्रैंक। भाई अभी भी फेस क्या गया है मेरे को, ये इसके वजह से ना वो ऐसे ना हो जाए बॉक्स। कोई नहीं, डर के तो बॉक्स फेंकना ही है। एक्शन। फिर ले जाओ, फिर खोलो उसमें। वो थोड़ा सा ऐसे करना है, जल्दी से पैक अप हो, मैं घर जाऊं और सो जाऊं। हाथ ना ऊपर मत करियो, अपने नीचे से ही पकड़ना है तेरे को। सुन ऊपर कर अपने हाथ थोड़े से, नीचे ऊपर मत। और किसी वीडियो में तो ये मिलती है ना, ये पता है हाथ में ज्यादा बेटर रहेगा, कंट्रोल रहेगा हाथ। अरे तेरे खोपड़ा आ रहा है, बना देगा ये नीचे। सिस्टम भाई डब्बा लो, आके लिया अभी ऐसे। हां अभी वो करेंगे, चलो मेरे को स्टार्ट, रुक जाओ, पूरा भर जाओ, पूरा भर जाओ। चलो आ गया, चलो एक्शन। 3-2 भाई भाई गुब्बारा देना था, केक सही है एकदम, केक पूरा बच गया, बहुत सही कैच कर रहा है तूने। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इतना, इसीलिए कर रहे हैं ना। अब पढ़ा देगा क्या का पूरा मन है केक खाने का, तभी आपने केक बचाया। वाह, दो बार केक मैंने नीचे गिराया और दोनों बार बचा लिया। हमारे आज का शूट का पैकअप हो चुका है, बहुत अच्छी टीम थी ये, बहुत अच्छी अच्छी टीम थी सारी, बहुत अच्छी अच्छी टीम थी। केक पैकअप का केक जो मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा पिछले 4 घंटे से, सर की सर्कुलेशन ऐसा कर बंद हो गई थी, कुछ तो हुआ था, सॉरी सॉरी भाई। हाय मेरे बाल के तो चपटे हो गए। और ये है मेरा पैकअप का केक, मैं काट देती हूँ। तो क्या हो गया, क्या हो गया, केक तो केक होता है, केक में कुछ भी लिखा है। तो चलो भाई मैं भी चेंज कर लेती हूँ, तो इसे आउटफिट में चेंज होंगी, हर कोई सीन नहीं है, बट बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को। से मॉल में आ गई हूँ ना, जहाँ बंदा है ना बंदे की जात है, जस्ट बिकॉज मेरे को इतनी भूख लग रही है,
पूरा का पूरा मॉल खाली है और मॉल में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है यहाँ पर KFC जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, दूसरा बीकानेर, पर बीकानेर में कहीं दिख रहा वोरा बीकानेर दिख गया। तो यार अब नीचे जाओ। अब जाके मैं घर आई हूँ, इतनी ज्यादा थक गई हूँ, 10 बज रहे हैं, मैं सुबह 9 बजे की उठी हूँ, आप हिसाब लगाओ 9 से 13 घंटे, आज मैं 13 घंटे मैं कॉन्टिन्यूस काम कर रहा यार आज मैंने, बट ऐसा ही मेरे को चाहिए अपनी लाइफ की, मैं सही बताऊँ कि मैं बस बिजी रहूँ ताकि मैं फिर मेरा ध्यान उधर नहीं जाता चीज़ों पे, मैं ओवर थिंक भी नहीं करती, इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ और यही सही है। और कल भी मेरे को ऐसा ही कल सुबह उठ के कहीं काम से बाहर भी जाना है तो मैं कल भी थोड़ा बिजी रहूंगी, बाकी कल का तो कल देखते, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। मैं पता है क्या है, अब मेरे को कुछ नहीं है, टीवी चाहिए और अपना बिस्तर चाहिए, मैं बस हाँ अभी देखती हूँ। अब डॉलर देखो, डॉलर को अपने को नीचे आते ही वॉक पे लेके जाना पड़ेगा, मेरी तो लाइफ खराब है सही बताऊँ। नहीं बढ़िया है, बढ़िया चलती है लाइफ। वन मोर थिंग आई मतलब मेरे को आप लोगों से मतलब बात करनी थी, मैंने अभी मतलब 2-3 कॉमेंट ऐसे पढ़े हैं मतलब डेली ब्लॉगिंग के चैनल पे कि दी पूरे ब्लॉग में तो सिर्फ आप ही आप रहते हो वगैरह वगैरह। यार देखो मेरे को आदत है लाइक मेरा है कि डेली ब्लॉगिंग मतलब डेली मेरे को ब्लॉग करना ही करना है, तो मैं बनाती रहती हूँ। और रीज़न है कि जैसे कि क्या होता है कभी कभी ना विशाल का मूड नहीं होता है, फिर कभी कभी भूल भी जाता है व्लॉग करना, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं डेली व्लॉग करती हूँ, मैं वो चीज़ ना छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे को पता है डेली आप लोगों को व्लॉग देखना होता है, चाहे उसमें मैं हूँ या फिर पूरे उसमें मैं ही हूँ। मैं समझती हूँ यार ऑब्वियसली बात है ये चैनल मेरा और विशाल दोनों का है, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत टेक्स ले लेती हूँ, मतलब विशाल कंपैरेटिवली उतने टेक्स नहीं लेता है या उतना व्लॉगिंग नहीं करता है, सही बताऊं तो उसको मैंने मतलब बहुत बार समझाया भी है कि विशाल कर ले, मैं खुद से उसको बोलती हूँ कि विशाल टेक ले ले, भूल गया क्या, तो वही चीज़ हो जाती है। और आज भी देखो आज पूरा दिन मैंने ही व्लॉग करा है पूरा A to Z। अब आप लोग फिर बोलोगे दीदी फिर आ गए, मैं क्या करूं यार, अगर मैं व्लॉग मैं भी नहीं करूंगी व्लॉग, कोई सामने से भी नहीं करेगा तो व्लॉग आएगा कैसे चैनल पे, वो चीज़ समझो ना। मैं बस इस यही रीज़न है मेरा कि मैं सोचती हूँ चल कोई ना कोई सामने से नहीं कर रहा तो मैं ही कर लूँ, एटलीस्ट ब्लॉग तो आएगा, एटलीस्ट आप कुछ तो देखोगे, मेरे को थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो।